किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम हेलो किसान देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दर्शकों, हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जिससे हमारे किसान भाई या पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन आ सके और उनके खेती किसानी से या पशुधन से उनको अच्छा खासा लाभ हो सके। हेलो किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ऐसे विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं जिन विषयों में किसान भाइयों को समस्या आ रही होती है, उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। चाहे हमारे पशुपालक हो, उनकी पशुधन में, पशुपालन के तरीके में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है या पशुधन से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके रखरखाव को कैसे ध्यान में रखें, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है। लेकिन इसमें आपकी भूमिका बहुत अहम होती है क्योंकि आपके सीधे सवाल इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं और समस्या का समाधान किया जाता है। लेकिन हेलो किसान कार्यक्रम में कौन कौन से विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और किन विषय से जुड़े हुए आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आइए एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में हर संस्करण में अलग अलग विषय पर चर्चा होती है। आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन, आज का विषय पहला विषय रहेगा मुर्गी पालन, और साथ ही जो अगला विषय है बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें, कितना ज़रूरी है और क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसके नुकसान है, इन सभी बातों को समझेंगे आज के इस हेलो किसान कार्यक्रम के माध्यम से। इस विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी संशय आपके मन में है या किसी भी तरीके की समस्या आप देख रहे हैं अपने पशुधन के अंदर, तो आप सीधा हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर है 1800-113-060, 1800-113-060। फ़ोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो, आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके और आपकी समस्या का सही तरीके से समाधान किया जा सके। इसके अलावा आप हमारे ईमेल और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप है 8800-520-717। व्हाट्सएप करते समय आप जहाँ से अपना सवाल लिख रहे हैं अपनी उस जगह का नाम और अपना नाम लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन तीन माध्यमों का इस्तेमाल कर अपने कोई भी सवाल का आप जवाब पा सकते हैं और सीधा इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अब इन दोनों विषय से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट रहेंगे जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे, एक बार उनसे भी आपको रूबरू करा दिया जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अधिराज मिश्र। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप सहायक आयुक्त हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन मंत्रालय भारत सरकार से। इसके साथ ही आज हमारे दूसरे मेहमान स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर संदीप नानावटी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू मध्य प्रदेश से। दोनों मेहमानों से मैंने आपको तारुफ करा दिया है, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अधिराज जी का रुख करेंगे। डॉक्टर अधिराज जी, मुर्गी पालन की अगर हम बात करें तो छोटे क्षेत्रों की बात करें या फिर छोटे जो पशुपालक हैं उनके लिहाज से बात की जाए तो मुर्गी पालन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला व्यवसाय है। मुर्गी पालन को लेकर किसान भाइयों को या जो पशुपालक हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा चीज़ ये बोला कि मुर्गी पालन बहुत लाभदायक होता है। अगर हम देखेंगे, आकलन में देखें तो मुर्गी पालन दो तरीके के लिए किया जाता है। एक है जो अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है, दूसरा है मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। अगर हम अंडा उत्पादन की बात करेंगे, अभी भारत का जो अंडा उत्पादन का जो हम आकलन करते हैं उसमें 138.38 बिलियन एग्स है, तो वार्षिक ये उत्पादन होता है, तो अभी तक का जो आंकड़े हैं। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो अब हम वर्ल्ड में भी हम दो नंबर स्थान पे आ गए हैं जब हम अंडा उत्पादन की बात करते हैं, और मांस उत्पादन में भी हम जब ब्रॉयलर फार्मिंग की बात करते हैं वहीं पे भी हम पांचवें नंबर स्थान पे भारत का पोजीशन है। तो ये देखेंगे ये सब किसान भाइयों की मेहनत से
ही ये बना है तो, और ये बहुत लाभपूर्ण, और ये जो सेक्टर है इसका ग्रोथ रेट हम देखेंगे तो लगभग 7 से 10% का ग्रोथ रेट है इस सेक्टर में, तो इसकी आंकलन में देखेंगे और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, तो अगर ये देखेंगे तो एक बहुत एक लाभदायक व्यवसाय है। और पशुपालन क्षेत्र में ये एक अच्छा चीज़ है जो कि मुर्गी पालन जो अगर किसान लेते हैं तो उससे लाभ उसको अच्छी तरह से मिल पाता है। जी, मुर्गी पालन को लेकर और भी कई ऐसी बारीकियां हैं, डॉक्टर अधिराज जिसे समझेंगे और जानेंगे कि अगर मुर्गी पालन व्यवसाय से कोई जुड़ना चाहता है तो किन बातों का ध्यान रखें, कैसे अपनी मुर्गियों को स्वस्थ रखें, अच्छा उत्पादन उनसे लेते रहें। लेकिन उससे पहले अब रुक करते हैं अपने अगले मेहमान की तरफ और अगले विषय की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर संदीप नटिवाल जी हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नज़र डाल लेते हैं। बीसवीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में कुल पोल्ट्री संख्या वर्ष 2019 में 851.81 मिलियन आंकी गई थी, जो 16.8% की वृद्धि दर्शाती है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है। बेरोजगार युवकों के लिए तो मुर्गी पालन अच्छा खासा मुनाफा देने वाला साबित होता है, लेकिन मुर्गी पालन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सारी बीमारियों से भी बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को न छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा। तो आप अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो रिपोर्ट के जरिए बताई गई बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपके मुर्गी व्यवसाय में लाभ भी आप देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ, जो हमारे डॉक्टर संदीप नानावटी जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप जी, हम देख रहे हैं कि बरसात का मौसम लग चुका है और अगर खेती किसानी के लिहाज से देखा जाए तो खरीफ फसलों के लिए बरसात बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वहीं पशुपालक की अगर बात करें, पशुपालन के क्षेत्र की बात करें, तो क्या ये बारिश हमारे पशुपालकों के लिए चिंता का विषय है? जी हाँ, जिस तरह से हम खेतों में पशुपालन और खेती दोनों ही बारिश के समय बहुत अहम होती है, और जितनी तेज बारिश होती है, जितना ज़्यादा बारिश होती है, उसमें पशुओं की परेशानी बढ़ती जाती है। हालांकि हम मानते हैं कि हर तरफ हरा चारा होता है, लेकिन इसी दौर में जब पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है, पशुओं की प्रसूतियां बढ़ जाती हैं, तो ऐसे समय में वर्षा का मौसम संक्रमण काल का बनकर आता है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे पशु जो गर्भस्थ में आ सकता है, खासतौर से गाय और भैंसे गलघोटू और एक टंगिया नाम के ज्वर से ग्रस्त हो सकते हैं। तो बारिश एक तरफ तो खुशियां लाता है, लेकिन एक तरफ निश्चित रूप से इनके लिए बहुत जोखिम का और चौकस सतर्क निगाह जरूरी है पशुपालक की, अपने पशुपालक पर। जी, तो बरसात में पशुपालकों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और इसको और विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट भी देख लेते हैं। पशुओं को किसान का धन माना जाता है, यानी जिस तरह हम अपने धन की रक्षा करते हैं उसी तरह हमें अपने पशुधन की भी देखरेख करनी चाहिए। गांव में लोगों की आमदनी का एक मुख्य जरिया पशु, खासकर दुधारू पशु होते हैं। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, जो पशुधन गणना 2012 की तुलना में 4.6% अधिक है। वहीं गायों और भैंसों में कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन थी, जो पिछली गणना की तुलना में 6% अधिक है। अच्छी आमदनी के लिए पशुओं की उचित देखभाल जरूरी है, खासकर बरसात में
पशुओं के रहन सहन और खान पान पर खास ध्यान देना चाहिए। बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। बरसात में पशुओं में गलघोंटू व मुंह पका खुरपका जैसी बीमारी हो सकती है, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दें और बाड़े की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़े की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए सप्ताह में एक या दो बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं, इसलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। पशुओं के बाड़े की छत से पानी नहीं टपकने दें और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दें। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। तो पशुपालक भाई, बरसात में अपने पशुधन का बेहतर ध्यान रखें और किस तरीके से आपको देखभाल करनी है रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करिए, इसको और विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आप रुक कर लेते हैं डॉक्टर अधिराज जी का। डॉक्टर अधिराज जी, हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में अपने पशुधन का विशेष रूप से किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। अगर वहीं मुर्गी पालन क्षेत्र की हम बात करें तो बरसात के मौसम में मुर्गी पालक जो भाई हैं हमारे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है और सबसे ज़्यादा खतरे वाली बात क्या है? जी देखिए, बरसात के मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण, जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी दिखाया, जो मुर्गी का शेड होता है उसमें लिटर और जो जिसमें मुर्गी रहते हैं, तो वो लिटर में अगर पानी और ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें उनको बीमारी के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक चीज़ देखा जाता है कि अगर मतलब लिटर में थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, पैरासिटिक डिजीज़ भी उनके ऊपर, एमोनिया प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और पैरासिटिक डिजीज़ जैसे कॉक्सीडिया की बात करते हैं, कॉक्सीडियोसिस भी बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लिटर मटेरियल है वो कैसे हमारा मतलब गीला ना रहे, तो उसके लिए एक देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है, क्योंकि देखिए बरसात का मौसम जब होता है तो कुछ बीमारी भी उसके साथ भी आने की संभावना है, तो उसके साथ टीकाकरण जो रेगुलर हम करते हैं उस हिसाब से हमें टीकाकरण का भी व्यवस्था कर लेना चाहिए। जी, टीकाकरण की अगर हम बात करें डॉक्टर अधिराज जी, तो किस तरीके का टीका इस समय लगवाना चाहिए मुर्गियों को और कितने समय के अंतराल में टीके लगते हैं? देखिए, जो हम पोल्ट्री की मुर्गी की बात करते हैं तो उसमें पैदा होते ही बहुत सारे टीकाकरण की किया जाता है। जैसे जब आप चूज़े लाते हैं हैचरी से, वहाँ भी मैरिक्स डिजीज़ का टीकाकरण किया जाता है। अगर हम पर्टिकुलर इस सीज़न की बात करते हैं तो रानीखेत डिजीज़ जो एक बोलते हैं एक वायरल डिजीज़ होता है, उसका टीकाकरण रेगुलर किया जाता है, जो कि चूज़ों में भी किया जाता है और एडल्ट में भी किया जाता है। तो हर 4 से 8 हफ्ते के दौरान उसको रेगुलर रिपीटेशन रानीखेत डिजीज़ का कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो प्राप्त एडल्ट मुर्गी हैं उनके लिए भी फाउल पॉक्स का भी टीकाकरण, एक रेगुलर टीकाकरण होता है, उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। जी, तो ये कुछ टीके हैं जिनका ध्यान हमारे मुर्गी पालक भाई रख सकते हैं। डॉक्टर संदीप जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संदीप जी, जब यहाँ टीकाकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन हम टीकाकरण पर मैं आऊँगा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे बरसात के मौसम की हम देख रहे हैं कुछ क्षेत्र इस समय ऐसे हैं जो बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं और कहीं पर जलजमाव की स्थिति ज़्यादा पैदा हो जाती है, ऐसे क्षेत्र के किसान भाई अपने रखरखाव को कैसे मैनेज करें, अपने पशुपालकों के लिए क्या बातें हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि जलजमाव की स्थिति में भी वो अपने पशुपालकन या पशुधन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी कर सकें, देखरेख भी कर सकें और उनसे उत्पादन भी लेते रहें? जी, खास तौर से ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी ज़्यादा जमा होता है तो कोशिश आपको ये करना चाहिए सबसे पहले पशुपालक भाइयों को कि यदि आपके खपरेल में, आपकी छतों में, कहीं पशु बाड़े में पानी टपक रहा है तो पहले उसकी व्यवस्था कर लें, अन्यथा अगर गीले होंगे पशु गौशाला में खड़े खड़े तो उन्हें निमोनिया और दूसरी बीमारियाँ होने का खतरा होगा। जल जमाव जहाँ होता है वहाँ पर कोशिश करें कि जल के निकास की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी, इकट्ठा हुआ पानी जीवाणुओं को पनपने का एक बेहतरीन माध्यम है। कई तरह के रोगाणु और जीवाणु इसमें पनपते हैं जो आमद का कारण बनते हैं अपने पशुओं का, भैंसों का, गायों का, बहुत सारी संक्रमण बनते हैं। खासतौर से हम ये देखना चाहिए कि जल जमाव की स्थिति में आप अपने पशु बाड़े की, डेयरी फार्म की जो खिड़की से हो कि उसमें क्रॉस वेंटिलेशन
उचित तरीके से हो सके, हवा का आवागमन निर्बाध जारी रहे, और यदि भवन की बनावट ऐसी है कि उसमें धूप आती रहे तो ये सोने में सुहागा है, क्योंकि हमारे पशुपालक भाई जानते हैं कि धूप में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो बहुत अच्छी कीटाणु रोधक होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रेडियंट है जमीन की जो सतह है उसमें गोबर और पेशाब वो उचित तरीके से बह के बाहर निकल जाए, अन्यथा ऐसी कई मक्खियां और पनपती हैं जो अपने लार के जरिए पशुओं के शरीर में कीटाणु प्रविष्ट करते हैं और बहुत घातक बीमारियां हो सकती हैं। जी, तो इन बातों का भी पशुपालक भाई ध्यान रखें कि कैसे आप उनका रखरखाव कर सकते हैं और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए बरसात के मौसम में खासकर। एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सुखचैन सिंह हैं पंजाब से। सुख जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सुख जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं गाय के बारे में पूछना। जी पूछिए। हमारे गाय को जब भी हम सरसों की खल और जहाँ फीड डालते हैं तो उसको गोबर पतला करने लग जाती है बहुत ज्यादा। जी, डॉक्टर संदीप जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संदीप जी, आपने इनका सवाल सुना, इनकी गाय का गोबर पतला हो जाता है, इनकी क्या समस्या और समस्या का समाधान बताइए। जी देखिए, अगर गाय को आप अपना दाना देते हैं, फीड देते हैं, उसके बाद लगातार सतत वो गोबर पतला करती है तो निश्चित रूप से तय जानिए या तो इसका कोई लीवर डिसफंक्शन है, लीवर की कोई खराबी है, या इसके आंतों में संक्रमण हो सकता है। और आंतों में संक्रमण होता है तो ऐसी स्थिति में कई बार पतले गोबर के साथ उसमें लाल रक्त भी आता है और कई बार उसमें बहुत बुरी किस्म की बदबू भी आती है। तो अगर आपका आपकी गाय का गोबर बदबूदार है, उसमें पानी जैसा, तो अगर आप घर की अगर चिकित्सा करें तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन यदि संक्रमण उसमें डॉक्टर्स को पता लग जाता है तो वो उचित दवाई दे के उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन खास तौर से बारिश में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको केवल हरा चारा नहीं देना है, साथ में उसको सूखा चारा भी मिलाना है। हरा चारा और सूखे चारे की मात्रा 50-50% होगी, तो कई बार हरा चारा केवल देने से अतिसार या दस्त की संभावना होती है, पतले गोबर की संभावना होती है। तो आपको ये करना है कि आप इसको ऐसे पोखर से पानी ना पिलाएं, किसी जमे हुए जगह से तालाब का पानी ना पिलाएं, अन्यथा बहुत सारे संक्रमण होते हैं जो पशुओं के शरीर में पतले गोबर का कारण बनते हैं। जी, तो सुखचैन जी, आप इस तरीके से अपने गाय के चारे का प्रबंधन कर उसकी सेहत का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे अपने खास मेहमानों से और खास एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, दो महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, और एक दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। सलमान हैं टोंक राजस्थान से। सलमान जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारी गाय 4 बार बिया चुकी है। जी हेलो। जी आप आगे पूछिए। उसके दो थनों में दूध सही आता है, दो में पीप वगैरह निकलता है। जी, डॉक्टर संदीप जी का रुख करते हैं। डॉक्टर संदीप जी, इनकी गाय ब्याह चुकी है लेकिन इनके थनों से दूध नहीं आ रहा है। दो थन से दूध आता है, दो थन से दूध नहीं आता है, क्या समस्या है? जी
देखिए ये जो बीमारी होती है आमतौर पर ज्यादा दूध देने वाली गायों की होती है। कई बार संक्रमण के कारण उनके थनों में थनीला रोग हो जाता है और दो थनों में इनके हम जो बात सुन रहे हैं उसके पस भी आता है, पीप भी आता है, मवाद आता है या खून भी आता होगा, तो ये एक थनेला रोग के लक्षण है। अगर आप इसके थनों को अच्छे से दूध से साफ करके लगातार 3 या 4 दिनों तक डॉक्टर की सलाह से थनों के अंदर कोई ट्यूब्स आती है लगाने की, वो ट्यूब्स लगाई जाएं और गले के जरिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाएं, तो इस थनेला रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। हालांकि यदि बहुत पुरानी बीमारी हो गई है और थनों ने अपना स्वरूप पत्थर जैसा कर लिया, कठोर हो गई हैं, तो उनके ठीक होने की संभावना बहुत क्षीण होती है। लेकिन यदि उसमें से सॉफ्ट है, वो मुलायम है, तो वो निश्चित रूप से तय जानिए कि आपकी गाय उचित प्रबंधन, उचित चिकित्सा के जरिए ठीक हो सकती है। बस आपको एंटीबायोटिक का कोर्स कराना पड़ेगा लगातार 4 या 5 दिन तक, और जब भी आप दूध निकालें तो आप एक जरूर ध्यान रखिए कि ऐसी गाय जो थनेला रोग से ग्रसित है उसके हाथ दूसरे गायों को न लगे, उसको सबसे आखिरी में धोएं जो गाय बीमारी से ग्रस्त है, क्योंकि थनेला रोग एक गायों से दूसरी गाय में बहुत तेजी से फैलता है और उसको फैलाने वाले हमारे ग्वाले, हमारे जो दूध निकालने वाले भाई होते हैं वही होते हैं। तो थनेला रोगों की रोकथाम के लिए सबसे अच्छी तरीका है सफाई, सबके फायदे का इंतजाम। यदि हम सफाई रखेंगे, थनों को साफ रखेंगे, बार बार लाल दवा से दूध निकालने के पहले और दूध निकालने के बाद धोएंगे, तो कोई कारण नहीं कि इस थनेला रोग का संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में हो जाए। तो जो गाय आपकी ग्रसित है थनेला रोग से उसका तो इलाज करना ही है, लेकिन आपको ये खास ध्यान रखना है कि जो दूसरी गायें अपने ढोर कोठे में बंधी हैं, बाड़े में बंधी हैं, उनको ये रोग ना हो जाए, क्योंकि ये छूत से हवा के जरिए भी हाथ टच कर देते हैं, एक हाथ दूसरी गाय को लग जाए तो भी ये रोग हो सकता है। जी, तो इस तरीके से आप सलमान जी अपनी गाय के उपचार के लिए संपर्क कर सकते हैं और इस तरीके से समाधान कर सकते हैं, उनका एंटीबायोटिक का कोर्स करा सकते हैं। डॉक्टर अधिराज जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अधिराज जी, जब हम इसमें हम बरसात के मौसम में अपने पशुओं की देखभाल की बात कर रहे हैं, तो वहीं अगर हम मुर्गी पालन क्षेत्र की बात करें तो इस समय खान पान की किस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए, और जैसे हमने यहाँ पर देखा कि चारा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो क्या बरसात के मौसम में कुछ स्पेसिफिक ध्यान रखना है जो मुर्गी पालक हैं कि बरसात के मौसम में आपको ये चारा खिलाना है या ये चारा नहीं खिलाना है, इसको कैसे समझें और कैसे इसका भेद करना चाहिए, कैसे प्रबंधन करना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें का हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम बड़े पशु की बात करते हैं तो उनको तो हम चारा देते हैं या बाहर से कुछ मतलब चरने के लिए जाते हैं देते हैं, पर मुर्गी की बात करते हैं तो जो कॉमर्शियल फार्म सेक्टर में जितने भी फार्म्स हैं तो वहाँ पर यूजुअली हम जो होता है कि ये जो हमारा फीड जो बाहर से मिलता है या मतलब जो कंपनीज बनाते हैं वो फीड लाके हम देते हैं, जैसे कि अपने एज ग्रुप के हिसाब से, मुर्गी के एज ग्रुप के हिसाब से उसको फीड दिया जाता है। तो ये फीड जो लाके हम पशुपालक जो घर में रखते हैं, तो बरसात के मौसम में हमें 1-2 चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक फंगस का ग्रोथ हो जाता है जिसको एफ्लाटॉक्सिन भी हम बोलते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक बीमारी मुर्गियों में होता है जो कि उनके लीवर में इन्फेक्शन कर देता है। तो इसको देखना पड़ेगा कि जो भी हम मंगा के फीड मंगा के बाहर से, अब जो मतलब पैकेट होते हैं, बैग होते हैं, जाके रखते हैं, उसमें जैसे फंगस ना लगे उसका एक ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है, कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, जब हम फीड स्टोरेज पे रखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ आपके चूहे भी आ जाते हैं, तो उसके लिए रैट्स का भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पानी अगर बरसात के महीनों में हम जो भी रैट के जो रहते हैं चूहे जहाँ नीचे रहते हैं उनके घर में पानी घुस जाते हैं तो ये दूसरी जगह आ जाते हैं, जैसे कि फीड शेड में भी आ जाते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा चीज़ है, जब हम फीड की बात करते हैं, ये तो हमें कॉमर्शियल फीड जो मिल जाता है बाहर से हम खिलाते हैं, तो उसके साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी भी हो जाता है, तो उसके लिए जो कि प्राप्त मात्रा में विटामिन या कैल्शियम की जो देना है उनके पानी में मिला के देना होता है, उसको हमें रेगुलर देना पड़ेगा। ये तीसरा चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और चौथा चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि हम, एक तो हो गया कॉमर्शियल सेक्टर, दूसरा सेक्टर जो हम घर के आंगन में जो मुर्गी पालन हम करते हैं तो उसमें दिक्कत आते हैं, क्योंकि ये जो बैकयार्ड पोल्ट्री है, जो घर के आंगन में जो मुर्गी रखते हैं, ये क्या होता है, हमारा जो अपना वेस्ट होता है, अपना फार्म का मतलब घर का वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, उसको खा के करते हैं या थोड़ा खेतों फेतों में चले
चले जाते हैं कहीं से, वो कीड़ा वीड़ा खा के उनका हो जाता है, पर बरसात के मौसम में ये उनका जो नाइट शेल्टर है उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि उनके कहीं एडिशनल फीड, थोड़ा हम कमर्शियल फीड भी उनको अगर उनके घर में रख सकते हैं, जो नाइट शेल्टर में रख सकते हैं, तो इनके लिए ये भी बहुत बेहतर हो सकता है। जी, तो ये बातें कुछ खास चारा प्रबंधन में ध्यान रखनी चाहिए मुर्गी पालकों को। एक दर्शक है जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रिजमोहन मीना जी हैं झालावाड़ राजस्थान से। ब्रिजमोहन जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। ब्रिजमोहन जी अपने टेलीविजन का आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। सर मैंने कहा मेरे 280 दिनों के भैंस को उसको क्या खिलाए। ब्रिजमोहन जी आपकी आवाज सही तरीके से आ नहीं पा रही, आप टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए। 280 दिनों के लिए उसको क्या खिलाए, सोया चना खिलाए अभी। जी, जितना हम समझ पाए उसके हिसाब से आपके सवाल को शामिल कर लिया जाता है। डॉक्टर संदीप जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संदीप जी, इनकी भैंस की सेहत को बेहतर करने के लिए चारा प्रबंधन का उपाय बताइए। अच्छा, यदि आप भैंस की सेहत ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसको समय समय पर कृमिनाशक औषधि का पान जरूर कराइए, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसकी दवाई दीजिए। और चारा प्रबंधन की जहां तक बात है कि वर्ष भर ऐसी स्थिति, ऐसे खेती करिए कि जिससे वर्ष भर हरा चारा मिलता रहे। आजकल साइलेज का बड़ा जोर है और कई पशुपालक हमारे जो साइलेज बना रहे हैं, और आप भी अगर साइलेज बनाते हैं तो जो अतिरिक्त मात्रा हरे चारे की होती है उसको बेहतरीन तरीके से के साइलेज के रूप में बनाया जाता है, जो गर्मी भर जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है तो उसको साइलेज में बदला चारे का अचार बनाकर उसको खिलाया जाता है। तो ये एक पौष्टिक चारा होता है जिसमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा आम चारे से बहुत ज्यादा होती है, बहुत सुस्वादु होता है और पशु बहुत स्वाद से खाते हैं। तो यदि आप चारे का संग्रहण करें, कंजर्वेशन कर लें और संवर्धन कर लें तो चारे की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो हमारी जो भैंस है वो सेहतमंद हो जाएगी। इसके साथ में मिनरल मिक्सचर देना ना भूलें, उसे खाने में उसके बाटे में एक माचिस की डिबिया के बराबर रोज लवण मिश्रण या मिनरल मिक्सचर बाजार में बहुत सारे उपलब्ध हैं, आप उसको देंगे तो पशु जल्दी जल्दी गर्मी पर भी आएंगे और यदि ज्ञापन है पशु तो प्रसूति अच्छे से हो जाएगी और पशु यदि दूध देने वाले हैं तो दूध की मात्रा में भी इजाफा होगा। इस तरह से हम अपने पशुओं को सेहतमंद रख सकते हैं। जी, डॉक्टर संदीप जी एक और दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। दर्शक का नाम है अंकुर सहाय, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। इनका सवाल है कि पशुओं में लंगड़ा बुखार होने का मुख्य कारण क्या है और इसके उपाय क्या हैं? जी जी, बहुत सामयिक और अच्छा प्रश्न है क्योंकि बारिश के दौरान ही हम लंगड़ा बुखार की आमद होती है। ये खासतौर से लंगड़ा बुखार, अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो इसको अंग्रेजी में ब्लैक पॉटर कहते हैं और ये छोटे उम्र के पशुओं में होता है, छोटे छोटे बछड़े पाड़े पाड़ियों बछड़ियों में होता है और इसमें एक जीवाणु होता है, एक रोगाणु होता है जो बारिश में जब पशु की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और पशुओं में लंगड़ापन हो जाता है, खासतौर से बच्चों में। और जब हम उसको दबाते हैं तो उसके जांघ की मसल में, जांघ की मांसपेशियों में फड़फड़ की आवाज होती है, इसको फर रोग भी कहते हैं। और इससे तेज ज्वर आता है, पशु में लंगड़ापन होता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, अनमना बेचैन होके यदि पशु का ज्यादा इलाज नहीं कराया जाए समय पे तो उसकी मौत हो जाती है। तो ये बीमारी हवा की तेजी से फैलने वाली है और ये बहुत अच्छा समय है, हालांकि बारिश होने के एक महीने पहले पहले इसके टीके लगाए जाने चाहिए थे। दो तरह के टीके होते हैं, एक गलघोटू, एक होता है एक तंगिया या जिसको लंगड़ा ज्वर कहते हैं। इन दोनों को मिला के आजकल एक कॉम्बिनेशन में एक वैक्सीन आ गया है, तो एक ही बार में आप तीनों रोगों का वैक्सीनेशन कर सकते हैं, इसमें खुरपका मुहपका भी शामिल होता है। तो यदि आपने अभी तक अपने पशुओं को गलघोटू और लंगड़ा ज्वर के लिए टीका नहीं लगवाया है तो आप जरूर अपने निकट के पशु चिकित्सालय में पहुंचकर डॉक्टर को इत्तला कीजिए, वो आपको ये सुविधा शासन के जरिए उच्च उपलब्ध कराएंगे। जी, तो इन बातों का ध्यान रखें पशुपालक भाई। फिलहाल एक दर्शक हैं, विपिन हैं सागर मध्य प्रदेश से, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए।
विपिन जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार सर। जी विपिन जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल सर मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ था। सर जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, काफी ज्यादा संक्रमण फैलते हैं और मुर्गियां भी जैसे जो कम रखते हैं लोग और गांव में ऐसे मतलब कच्चे में घूमती फिरती रहती हैं, सर इसमें कौन कौन सी बीमारियां की संभावना है और क्या क्या विशेष देखभाल करनी चाहिए? दूसरा सवाल सर पशुओं से जुड़ा हुआ था कि सर जो बरसात में देखा जाता है कि जो बाहरी परजीवी है मतलब मक्खियां मच्छर सर ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं पशुओं को, विशेष तौर पर सुबह शाम के टाइम पर हम लोग वैसे धुआं वगैरह करते हैं, तो इसके लिए और क्या क्या इंतजाम कर सकते हैं मक्खियों और मच्छर से बचने के लिए? जी आपके सवाल को शामिल कर लिया था विपिन जी, आप बहुत जागरूक दर्शक हैं और लगातार आपके सवाल हम शामिल करते हैं अपने आपके कार्यक्रम में। चलिए एक बार डॉक्टर अधिराज जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अधिराज जी, इनका सवाल आपने सुना कि जो खुले में और जो छोटे मुर्गी पालक हैं वो खुले में अपने मुर्गियों को रखते हैं, तो बरसात के मौसम में या फिर आमतौर पर देखा जाए जो मुर्गी पालक है वो किसी भी मौसम में किस तरीके से ध्यान रखे अपने मुर्गी पालकों का और किस तरीके से ध्यान रखे ताकि उसको अच्छा उत्पादन मिलता रहे? देखिए बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि अगर हम आंकलन की बात करें तो अभी जो सेंसस का डाटा आप दिखा रहे थे तो ये जो बैकयार्ड पोल्ट्री है जो घर के आंगन में मुर्गी हैं उसका ग्रोथ बहुत बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 40% के करीब बढ़ गया है। तो बहुत सारे भारत सरकार की योजनाएं भी जो इसको हम प्रमोट करते हैं, तो इस पर अब देखेंगे तो बरसात के मौसम में क्या होता है, ये तो घर के आंगन में घूम के आपका किचन वेस्ट हो या कुछ हो कीड़ा वीड़ा हो वो खा के अपना प्रोटीन सोर्स या जो भी अपना एनर्जी का सोर्स वो निकाल लेते हैं, पर बरसात के मौसम में ये देखा जाता है क्योंकि ये बाहर ज़्यादा नहीं जा पाते और ज़्यादातर पानी जमने के कारण भी इनको खाना सही से नहीं मिल पाता है। तो एक चीज़ हमें देखना है कि वो उनको खाने में थोड़ा जो नाइट शेल्टर में वो रात को रुकते हैं उसमें थोड़ा हमें एक्स्ट्रा जो कमर्शियल फीड है अवेलेबल होता है उसको थोड़ा हमें देना है, ये एक चीज़ देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो हम बात करते हैं नाइट शेल्टर में जैसे पानी उसके अंदर ना घुसे और पानी डायरेक्टली पानी उसके अंदर ना आ पाए उसका भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि नाइट शेल्टर एक ऐसा पूरा अच्छे तरीके का घर नहीं होता है, तो उसके हिसाब से वो पक्का घर नहीं बनता है, वो मतलब अपना कुछ भी मटेरियल से वो बना लेते हैं, तो उसको देखना है उसके अंदर पानी नहीं आना चाहिए, अगर पानी आ रहा है तो उसको कैसे रोक सकते हैं या उसका जो फर्श होता है वो कैसे साफ रहे और उसको बार बार हम ब्लीचिंग पाउडर फिनाइल से वो साफ़ कर सकते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल सकते हैं, तो ये चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर रोग की बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि ये बैकयार्ड पोल्ट्री में हम रानीखेत डिजीज़ का प्रकोप देखते हैं, तो इसके लिए हमें रानीखेत जो रोग है उसका टीकाकरण भी मिलता है, तो उसको हमें कर लेना चाहिए, हर 4 हफ्ते के इंटरवल पर उसको कर लेना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये 3 चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। जी तो कच्चे घरों में जो मुर्गी पालक भाई हैं या कम संख्या में उनके पास मुर्गी या चूजे हैं तो इस तरीके से वो अपने मुर्गी पालन का बेहतर ध्यान रख सकते हैं, अच्छा उत्पादन उनको मिलता रहेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इनके दूसरे सवाल को भी शामिल किया जाएगा, उसका जवाब भी लिया जाएगा, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कार्यक्रम हेलो किसान, आपके सवालों को शामिल किया जा रहा है, दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जा रही है और समस्याओं का समाधान भी आपके किया जा रहा है। ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे विपिन, उनका सवाल था कि बरसात के मौसम में हमारे पशुओं को मच्छर मक्खी बहुत परेशान करते हैं, हालांकि वो धुआं करते हैं लेकिन फिर भी इस समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर संदीप जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संदीप जी, ये समस्या भी देखने को मिलती है बरसात के मौसम में कि जो पशुपालक हैं वो इस चीज़ से परेशान रहते हैं, इसके लिए क्या समाधान करना चाहिए? जी जी, मैंने जैसा पहले भी बताया था कि सफाई बहुत ज़रूरी है, पर बारिश के मौसम में सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सफाई रखना, क्योंकि लगातार पानी की आमद होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि पशुओं को कुछ घिचोड़ियाँ किलनी या बाह्य परजीवी हो गए हैं तो उसकी संक्रमण से निजात पाने के लिए आजकल किसान भाई पशुपालक भाई एक दवाई का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसका नाम है साइपरमेथ्रिन। इस साइपरमेथ्रिन की जो तयशुदा मात्रा को पानी में अगर मिलाकर उसका स्प्रे भैंस के और गाय के शरीर पर किया जाए
तो हम काफी हद तक बाह्य परजीवी से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप रसायन का उपयोग नहीं करना चाहते और अपनी देशी दवाइयों का उपयोग करना चाहते हैं तो करंज और नीम के तेल का घोल बनाकर पशु के शरीर पर कपड़े से चौपड़ने से भी जो हमारे किलनी हैं, गिचुड़ियां हैं या वो बाह्य परजीवी हैं, ये मर जाती है। एक किसान भाइयों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि कई बार हम लोग ये करते तो हैं लेकिन हम उस कीट की जीवन चक्र को हम पूरा तोड़ नहीं पाते, उसकी लाइफ साइकिल ब्रेक नहीं कर पाते हैं। ये जरूरी है कि उसके अंडे भी खत्म हो जाए और मादा भी खत्म हो जाए, तब जाके हम अपनी गौशाला को, अपने डेयरी फार्म को बाह्य कृमियों के संक्रमण से बचा सकेंगे। तो इसके लिए एक बहुत अचूक तरीका ये है कि यदि आपके डेयरी फार्म में दीवारों पर क्रैक्स हैं, दरारें हैं, तो पहली फुर्सत में आप उन दरारों को सीमेंट के जरिए भर दीजिए, क्योंकि यही दरारें हैं, यही क्रैक्स हैं जहां पर अपनी शरण ये बाह्य परजीवी मक्खियां ये लेती हैं, और यदि इसको साफ नहीं किया गया तो लगातार ये बनी रहेंगी और पशुओं को संक्रमण खत्म नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मुक्ति कैसे पाई जाए, ये पेचीदा एक प्रश्न है लेकिन इसका सवाल बहुत आसान है, इसका जवाब बहुत आसान है। जवाब ये है कि आजकल 1300 या 1400 रुपए की एक फ्लेम गन मिलती है, बाजार में मिलती है, वो गैस से चलती है। अगर गैस के सिलेंडर से उस फ्लेम से पूरी दरारों में उसको जला दिया जाए या दरारों में वो फ्लेम को डाल दिया जाए तो ये समूल नष्ट हो जाती है सारी टिक्स, सारी लाइसेस, जितनी एक्टोपैरासाइट्स हैं, बाह्य परजीवी हैं। तो यदि आप ज्वलनशील एक पंप फ्लेम आता है जो बहुत सुरक्षित है, उसको दीवारों की क्रैक्स में, उसके कोने में आप इसको जला दें तो सारे कीटों से हमें मुक्ति मिल सकती है। तो आपको दो काम करना है, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना है, शरीर पर लगाना है, जहरीला होता है तो पशु चाटने ना पाए ये भी ध्यान रखना है, और समय समय पर आपको सफाई में एहतियात बरतना है जी। तो इस तरीके से भी आप जो फफूंद है या मच्छर मक्खी है इनसे भी आप निजात पा सकते हैं। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ कैलाश प्रजापति उज्जैन मध्य प्रदेश से, उनके सवाल को भी शामिल कर लिया जाता है। कैलाश जी अपना सवाल पूछिए। कैलाश जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी सर, मुर्गियों को मतलब कितने दिन में टीका लगाना चाहिए और बरसात के मौसम में उनका अच्छा भरण पोषण होता है तो उनको कौन सा खाद्य देना चाहिए तो अच्छा भरण पोषण उनका। जी कैलाश जी आप थोड़ा देर से जुड़े हमारे कार्यक्रम से, इसका सवाल डॉक्टर साहब दे चुके हैं लेकिन फिर से आपके लिए दोहरा देंगे। डॉक्टर धीराज जी इनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। जी ये जो टीकाकरण की बात आप कर रहे हैं, तो पहला चीज़ है जब आप चूजे लाते हैं तो उनका टीकाकरण हैचरी में भी किया जाता है एक रोग का। उसके बाद जब आप लाते हैं तो रानीखेत डिजीज़ का एक जो चूजे में टीका होता है उसको भी दिया जाता है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर में भी दे सकते हैं और ये भी आप दे सकते हैं उसको अपने आँख और मतलब नॉस्ट्रिल्स में या आँख में उसको डाल के भी वो भी दे सकते हैं, वो एक चीज़ है। तो ये एक सिस्टम हो गया। उसके बाद में जो प्राप्त वयस्क हो जाते हैं तो उसमें एडल्ट में आप रानीखेत डिजीज़ का रेगुलर टीकाकरण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखा जाता है तो कोई कोई जगह पे फाउल पॉक्स का भी टीकाकरण किया जाता है, और जो आपके चिक स्टेज में तो आईबीडी का भी टीकाकरण किया जाता है। तो ये कुछ 4-5 टीकाकरण जनरली किया जाता है और इसका सारा का एक वैक्सीनेशन शेड्यूल भी है। तो अगर कॉमर्शियल स्तर पे आप टीका मतलब मुर्गी पालन करते हैं तो इसका शेड्यूल भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके बीच में आपको कहीं कहीं डिवॉर्मिंग का भी आपको देना पड़ेगा, जो कि दवाई देना पड़ेगा, तो उसका भी आपको रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, और बारिश के मौसम में आपको डिवॉर्मिंग का भी खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडियो का भी ग्रोथ हो जाता है और कुछ जैसे हमारे पेट के कीड़े होते हैं तो वो भी हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी आपका ग्रोथ में कमी आता है और अपना प्रोडक्शन लॉसेस भी हो सकते हैं, तो ये कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा मैंने खाद्य का भी आपको कुछ बात बताया था तो उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप कमर्शियल फीड लाते हैं तो उसको प्रॉपरली कैसे स्टोर कर सकें सो दैट उसमें फंगस ना हो तो उसको भी देखना पड़ेगा, और थोड़ा प्रोटीन का मात्रा भी आप अगर बढ़ा सकते हैं तो वो भी एक एडवांटेज हो सकता है। और उसके अलावा जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, जनरली विटामिन का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है मुर्गियों में क्योंकि डेफिशिएंसी डिजीज़ का भी इसमें बहुत जगह देखा जाता है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए विटामिन्स का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। और आप इसके अलावा
अगर देखें तो कैल्शियम का, क्योंकि अगर अंडा देने वाली मुर्गी हैं तो कैल्शियम का भी आपको सही ध्यान रखना पड़ेगा उसके मतलब पानी में या खाद्य में मिला के देने के लिए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, रंजीत कुमार सुपौल बिहार से। रंजीत जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। रंजीत जी आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। रंजीत जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। कह रहे हैं सर, यानी कि जैसे कि अभी खुर पका मुंह पका का यानी कि गलघोटू का हम यहाँ सुई लगवाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं जी, तो वहाँ पे यानी कि जैसे हमारे पास 10 पशु है, 10 पशु का वो 500 रुपया मांग रही है, उचित है क्या सर? जी इसके लिए इसका समाधान भी कर दिया जाता है। डॉक्टर संदीप जी आपका रुख कर लेते हैं। ये आमतौर पर समस्या देखने को मिलती है कि जो पशुधन है या पशुपालक हैं, जब समस्याओं का समाधान करने के लिए पहुंचते तो उनसे मुंह मांगा रेट मांगा जाता है। इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं, जो पशु चिकित्सा केंद्र है वहां पर क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? क्या कोई पहले से रेट निर्धारित किया गया है कि आप इस तरह टीका का पैसा नहीं ले सकते हैं? जी देखिए, दो तरह की बीमारियां हैं जिनके वैक्सीनेशन, जिनका टीकाकरण बारिश या बारिश के पहले करना है। जैसा कि आपने फरमाया कि आप खुलपका मुंहपका और गलघोंटू दो बीमारियों के टीके लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको आपकी सूचना के लिए बता दूं कि गलघोंटू का टीका निःशुल्क हर राज्य के जरिए पशु चिकित्सा विभाग उसको उपलब्ध करा रहा है। और यदि आप अपने आवेदन को, लिखित आवेदन को, आपके यहाँ की पशु संख्या कितनी है अभी पशु चिकित्सक को लिख के देंगे, तो ये उसकी जवाबदेही है, उसकी जवाबदारी है कि आपके पशु आपके घर पहुंचकर, आपके गांव में पहुंचकर उस पशुओं का टीका आपसे निशुल्क लगाए। गलघोटू और एकटंगिया का निशुल्क होता है टीका, और ये खास तौर से ये टीका कई राज्यों में बनता है, जैसे बेंगलोर में बनता है, मध्य प्रदेश के महू में इसका टीका उत्पादन होता है, जो खास तौर से राज्य सरकार के जरिए हर राज्यों को पहुंचवाया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि आप किसी भी तरह का कोई भुगतान न करें, ये राज्य शासन की सुविधा है। हाँ, लेकिन खुरपका मुंहपका आमतौर पर उसमें हमको कंसेशन मिलता है, किफायती दर पर मिलता है, वो कई बार निशुल्क नहीं लगा पाते हैं, तो उसकी आधी कीमत या जैसा भी राज्य सरकार की जो योजना है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजना है, उसके जरिए खुरपका मुंहपका का बहुत नाम मात्र के शुल्क पर आपका टीका लगा जाता है। लेकिन ये जो 1,000 या 500 रुपये लेने वाली बात है, ये तो गलत है। ये हम राज्य सरकार के सारे पशु चिकित्सकों का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि किसी भी तरह से आपके गांवों में पहुंचकर उसका टीकाकरण किया जाए। जी डॉक्टर अधिराज जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अधिराज जी, क्योंकि आप सहायक आयुक्त हैं और आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि मुर्गी पालन क्षेत्र या पशुपालन का कोई भी क्षेत्र हो, क्या ये उचित है? क्योंकि ऐसे कॉल्स हमें कई बार मिलते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं, जो पशु चिकित्सा केंद्र के होते हैं या फिर कहीं के भी डॉक्टर्स होते हैं, वो जाके इस तरीके से किसान से पैसे चार्ज करते हैं। तो इसमें क्या व्यवस्था है और क्या कहाँ पर शिकायत करनी चाहिए, क्या समाधान है, कब तक पशुपालक हैं जो इस तरीके की समस्याओं का सामना करते रहेंगे? देखिए, मैं पहला कुछ चीज़ बता देता हूँ जो कि भारत सरकार की तरफ से 100% 100% सारे राज्यों को सारे जिले में, सारे गांव में जितने भी हमारे पशु हैं, मैं पहली बात करूँगा दो एक बीमारी जो पहला बीमारी हम खुरपका मुंहपका की बात करते हैं, जो हमारा नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से 2019 में ये उद्घाटन किया गया था इस योजना का। और ये अगर हम देखेंगे तो ये विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन है। तो इसके दौरान लगभग हमारे जितने भी 30 करोड़ कैटल एंड बफेलो हैं, इनका हर 6 महीने में टीकाकरण निशुल्क किया जाता है खुरपका मुंहपका रोग का। ये भारत सरकार की तरफ से हर राज्य को टीकाकरण का व्यवस्था, टीकाकरण के लिए मतलब दवाई दिया जाता है, वो सुई दिया जाता है, उसके अलावा जो भी इंजेक्शंस चाहिए या ग्लव्स चाहिए या जो भी डिस्पोजेबल उसके लिए मटेरियल्स चाहिए वो भी प्रोवाइड किया जाता है, और वैक्सीनेटर्स का भी प्रोविजन भारत सरकार की तरफ से किया गया है। ये पहला रोग है जो कि खुरपका मुंहपका है। इसके साथ ब्रुसेलोसिस और एक खतरनाक बीमारी होता है जिसके लिए फीमेल काब्स का भी टीकाकरण हम करते हैं। इसके अलावा दो रोग को भी भारत सरकार ने
अभी 2021 में भी ले लिया है, वो है जो कि आप घर में भेड़ बकरी रखते हैं उसके लिए पीपीआर एक बीमारी होता है जो कि बहुत उसका मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी नुकसान करवाता है, उसका भी टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है भारत सरकार की तरफ से। उसके साथ अगर सुअर पालन भी हमारे किसान भाई करते हैं तो उसका भी हम क्लासिकल स्वाइन फीवर एक बीमारी होता है उसका भी टीकाकरण 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की फंड से किया जाता है और सारे राज्यों को इसका टीकाकरण मतलब टीका उसके जो भी सिरिंज नीडल्स जो भी चाहिए उसका प्रावधान भी भारत सरकार की तरफ से किया जाता है और राज्य सरकार इसका सुविधा हर जगह पे लेते हैं। अगर आपका कहीं पे ये टीकाकरण करना है आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कीजिए और नेशनल एनिमल डिजीज प्रोग्राम जो भारत सरकार की तरफ से चल रहा है उसके अंदर ये टीकाकरण निःशुल्क होता है। और कहीं कहीं ये देखा जाता है जो कि हमारे पशु चिकित्सक हैं वो कहीं जाके पैसे की डिमांड नहीं करते हैं पर कभी कभी प्राइवेट में लोग जो काम करते हैं उनके तरफ से कहीं ये डिमांड आ जाता है तो वो देखना है। आप हम हमेशा सरकारी पशु चिकित्सक से बात कीजिए, उनके जो पशु चिकित्सालय वहाँ जाके अपना ये चीज़ रखिए और वो आपका टीकाकरण का व्यवस्था कर देंगे, निःशुल्क करवा देंगे जी। लेकिन डॉक्टर अधिराज जी, इसमें हम प्राइवेट जैसे चिकित्सकों की बात कर रहे हैं तो क्या इसके लिए भी तो कोई नियम निर्धारित किया गया होगा कि प्राइवेट इतना ही चार्ज कर सकता है या फिर सबको खुली छूट दे रखी है? देखिए टीकाकरण की बात हम करेंगे तो टीकाकरण के लिए जो भी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत से प्राइवेट वैक्सीनेटर्स का भी एंगेज किया गया है उनको भी भारत सरकार की तरफ से कुछ एक अगर वो एक डोज टीकाकरण करते हैं उसके लिए भी कुछ निर्धारित मूल्य भी फिक्स किया गया है उसको भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है वो कि हमारे पशुपालक किसान भाइयों से कहीं से भी वो चार्ज नहीं करेंगे। पर चिकित्सा की जब आप बात करते हैं उसको कोई रोग हो गया जो कि प्राइवेट से किसी को बुला के करते हैं ऐसे कोई तो हमने रेट फिक्स नहीं किया पर जब अब दवाई देते हैं कोई प्राइवेट चिकित्सक आके तो उसका हिसाब से फार्मर उनको पे कर सकता है जी। तो जितने पशुपालक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबसे हम यही अपील करना चाहेंगे कि अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो नज़दीके पशु चिकित्सालय केंद्र पहुंचकर जो पशु चिकित्सा अधिकारी है सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएँ की गई हैं उनसे संपर्क कीजिए, आपके पशुधन का और आपका जो समस्या है उसका बेहतर तरीके से समाधान करेंगे और जितनी कोशिश रहती है जो बताया गया डॉक्टर अधिराज द्वारा आपको निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक दर्शक हैं सीहोर मध्य प्रदेश, उनका सवाल शामिल किया जाता है। हाँ सर आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जीवन जी आप अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ा कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी जीवन जी। सर मेरा सवाल ये है, मैंने घेर खरीदी हुई है रविवार को जली थी। हेलो जी आप अपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए जीवन जी, फिर अपना सवाल पूछिए। जी सर, सर मेरी एक भैंस खरीदी हुई थी रविवार को जली है वो जी, और उसको जो पेशाब के रास्ते ब्लड बहुत आ रहा है, डॉक्टर साहब को भी दिखाया बंद नहीं हो रहा है ब्लड। जी तो आपकी समस्या का समाधान करते हैं जीवन जी, लेकिन यहाँ पर एक हमें छोटे से ब्रेक रुकना होगा, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान, ब्रेक के उस पर आपकी समस्या का समाधान हम करते हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहाव, थक जाता झुलस जाता हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे जीवन जी, उनका सवाल था कि उनकी भैंस ने अभी गाभिन थी और उसने बच्चा दिया है लेकिन कुछ दिनों से उनकी भैंस के पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो डॉक्टर संदीप जी का रुख करें। डॉक्टर संदीप जी इनकी समस्या का समाधान कीजिए। जी जी आमतौर पर आप जिस जगह पर रह रहे हैं सीहोर,
वहाँ के जो मिट्टी है उसके आसपास और पूरे आसपास के इलाकों में मालवा के नजदीक ही है, तो वहाँ की मिट्टी में फास्फोरस की कमी आमतौर पर पाई जाती है। तो वो फास्फोरस की कमी की वजह से एक बीमारी है, उसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटीमिया, रक्त में फास्फोरस की अल्पता, और उसकी वजह से कई बार पेशाब में खून आता है। तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करके अपना ये एनिमल, अपने बकरी और भैंस को दिखाना चाहिए। हालांकि इलाज तो हुआ है, लेकिन यदि आपके भैंस का इलाज किसी पारंगत डॉक्टर से होगा, जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, डिग्री होल्डर हैं, उनसे आप कराएंगे तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएगी। दो तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें पेशाब में खून आता है, एक को हम बबिशियोसिस कहते हैं और एक होती है हाइपोफॉस्फेटीमिया, मतलब रक्त में फास्फोरस की कमी, और एक जीवाणु, एक रोगाणु होता है, एक वो प्रविष्ट हो जाता है खून में मक्खियों के काटने के कारण, उससे एक बीमारी होती है बबिशियोसिस, जिसमें रक्त रक्त खून में मिला हुआ आता है और रक्त मूत्र में रक्त मिला हुआ आता है और लाल रंग की पेशाब होती है। तो ये दोनों ही कारणों का आपको निदान करना होगा, प्रयोगशाला से जांच भी हो जाएगी। तो अगर उचित जांच होगी तो उचित इलाज मिलेगा और बहुत ही जल्दी आपकी भैंस ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर अधिराज जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अधिराज जी हमारे साथ एक दर्शक हैं, व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने सवाल किया है, अमित हैं गुजरात से, जानना चाहते हैं कि बकरी पालन में क्या संभावना है और क्या योजनाएं चलाई जाती हैं बकरी पालन को लेकर सरकार द्वारा। देखिए बकरी पालन के लिए बहुत अच्छा योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है, भारत सरकार की तरह अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहे उद्यमी बनना चाहते हैं और बड़े स्तर पे बकरी पालन करना चाहते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा स्कीम जो कि 50% सब्सिडी का भी हमने ये किया है। अगर आप देखेंगे अगर 500 मतलब 100 से लेके 500 तक आप भेड़ बकरी का फार्म खोलना चाहते हैं, उसके लिए हमारा जो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है उसके तहत एक योजना किया गया है, उसमें आपको 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 500 का एक यूनिट आप बनाते हैं उसमें लगभग आपको 50 लाख तक की सब्सिडी आपको मिलेगी। और ये आपको आवेदन करने के लिए आपको एक हमारा पोर्टल होता है nlm.udyamimitra.in, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फार्मर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना एक DPR बना के उसमें जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप लगा के दे सकते हैं और इसके ऐसे आप अपना आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्कीम अभी योजना जो भारत सरकार की तरफ से है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड एक चीज़ है जिसके द्वारा आप आपके पास जो पशु हैं उसका थोड़ा जो रेकरिंग एक्सपेंसेस होता है, उसका खान पान का एक्सपेंसेस होता है, उसका घर बनाने के लिए एक्सपेंसेस जो होता है, या उसको आप कोई ट्रीटमेंट हो गया उसके लिए जो एक्सपेंसेस होता है उसको भी वहन करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक योजना भी चल रही है, उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। जी तो अमित जी आप इस तरीके से योजना का लाभ ले सकते हैं और अपने बकरी पालन व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। दर्शक हैं देवराज देव सिंह जी हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से, देव जी का रुख कर लेते हैं। देव जी आपका सवाल क्या है? आप तक आवाज पहुंच रही है देव जी, अपनी टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए पहली बात तो। जी सर जी अपना सवाल पूछिए। मैं पूछ रहा था मेरी बकरी जो है वो चरती नहीं है, बस ऐसे ही खड़ी रहती है, ढीलती रहती है बस। जी आपकी समस्या का समाधान कर दिया था डॉक्टर संदीप जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर संदीप जी इनकी बकरी चरती नहीं है बस खड़ी रहती है, इनकी समस्या का समाधान कीजिए। जी देखिए इसको तो अगर आपकी बकरी कम चर रही है या चरनी नहीं जा रही है या खड़ी रहती है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उपयुक्त जांच के जरिए ही यदि उसको कोई ज्वर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, कोई किसी तरह का संक्रमण तो नहीं है, कई बार पेट में कीड़े होते आते हैं तो पेट के कीड़ों की वजह से भी पशु अनमना बेचैन होकर एक जगह खड़ा रहता है, तो आपके बकरी को देखने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप इसको कोई भी लीवर टॉनिक आता है बाजार में, बहुत सारे लीवर टॉनिक मिलते हैं, अगर आप लीवर टॉनिक पिलाएंगे तो कई बार लीवर की अक्षमता की वजह से कम काम करता है, उसकी वजह से भी पशु खाना कम कर देते हैं, तो आप थोड़ा लीवर का टॉनिक भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ आप बिना पशु चिकित्सक को दिखाए अपने मन से दवा ना कीजिए, क्योंकि वैसे भी पशु बोलता नहीं है और बिना लक्षणों के पशु चिकित्सक की सलाह के इलाज करना खतरे का सौदा हो सकता है। तो आप पहले आप अपने बकरी को एक बार नजदीक के पशु चिकित्सालय में दिखा लीजिए और उनकी सलाह से अपना काम। जी
तो आप इस तरीके से देव जी आप अपनी बकरी का ध्यान रख सकते हैं और आपने जो समस्याएं बताई हैं उसका समाधान डॉक्टर संदीप जी ने बहुत बेहतर तरीके से किया है। डॉक्टर संदीप जी आपने कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के हमारे पशुपालकों के जो समस्याएं थी उनका बहुत बेहतर तरीके से समाधान किया, उपचार बताए। ये समय निकाल कर ये समय साझा करने के लिए, कीमती सलाहें साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। दर्शकों को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर अधिराज जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अधिराज जी, हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। बहुत कम शब्दों में हमारे दर्शकों को मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आप बताना चाहते हैं या कुछ ऐसा विषय जो रह गया हो जिसको हम भूल गए हों बात करना, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप? तो देखिए, सारे हमारे जो किसान भाई हैं जो मुर्गी पालन में अपना अपने को मतलब इंक्लूड करना चाहते हैं और मुर्गी पालन से लाभ लेना चाहते हैं, तो एक चीज़ हम बात मैं सबको ये प्रोग्राम के जरिए बताना चाहता हूँ कि प्रशिक्षण का भी हमें कुछ मतलब तरीके हैं, आप प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। हमारे जितने भी भारत सरकार की तरफ से सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, CPDOs हैं, वो चार भारत के चार जगह पे ये अवेलेबल है, वहाँ प्रशिक्षण किया जाता है। इसके अलावा आप पे जितने भी राज्य सरकार हैं, राज्य सरकार का जो भी उनका ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। तीसरा जगह आप देख सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कि बार बार वे रेगुलर ट्रेनिंग्स करवाते हैं, महिलाओं के लिए करते हैं और जो कि और मतलब मुर्गी पालन में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हमारे बहुत सारे जो कि कॉलेजेस है, वेटनरी कॉलेजेस है, वहाँ से भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं और ये सारे निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। आप इन सरकारी संस्थान को उसके साथ जुड़िए और ये प्रशिक्षण लीजिए और मुर्गी पालन में अपने आप को जुड़िए। जी धन्यवाद। तो मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी अगर हमारे पशुपालक भाई या युवा भाई या फिर कोई भी इस कार्यक्रम जो देख रहा है मुर्गी पालन के क्षेत्र में भविष्य तलाश रहा है तो इन सभी संस्थाओं से जुड़कर आप एक बेहतर भविष्य का चयन कर सकते हैं। मुर्गी पालन के जरिए आप जुड़कर व्यापार कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छे पशुपालक के तौर पर, मुर्गी पालक के तौर पर एक सफल किसान के रूप में आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं जिस तरीके से सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनसे जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ उठाएं और बेहतर एक व्यवसाय को स्थापित करें। मुर्गी पालन में भी अपार संभावनाएं हैं। डॉक्टर अधिराज जी, कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो में पहुंचे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां, तमाम सलाहें, तमाम उपचार आपने जो बताएं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। तो दर्शकों, आज का हमारा कार्यक्रम हेलो किसान में हमने दो महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी कि मुर्गी पालन में क्या संभावनाएं हैं, कैसे मुर्गी पालन में अगर आप जुड़ते हैं तो क्या फायदा ले सकते हैं और साथ ही साथ बरसात के मौसम में अपने पशुधन का आप कैसे देखभाल करें, इसका विस्तार से आपको समाधान दिया गया है। अगले हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे, आइए एक बार उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। हर कार्यक्रम में अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं, तो अगले कौन से विषय रहेंगे, उड़द मूंग की खेती कैसे करें और साथ ही सेब के बागों का रखरखाव कैसे करें, इन दो विषयों पर महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा की जाएगी, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये दूसरा विषय रहेगा सेब के बागों का रखरखाव कितना ज़रूरी है, कैसे करना चाहिए और बरसात के मौसम में खासकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है kisan2015@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सवालों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप किसान कॉल सेंटर पर भी अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए, 1800-113-060 जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इसके साथ ही हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर हेलो किसान कार्यक्रम में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी वक्त बैठकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों से हमारे पशुपालक भाई बेहतर तरीके से लाभ उठाएंगे और अपनी आय को बढ़ाएंगे। इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, आप सीखते रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।